हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 19 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस थे 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 16 अप्रैल। भारतीय रेल परिवहन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों की कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फिर से विश्व में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस हैं 78 किलोग्राम वर्ग, 65 किलोग्राम वर्ग, 40 किलोग्राम वर्ग या फिर 55 किलोग्राम वर्ग। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 65 किलोग्राम वर्ग। बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो आपका राइट आंसर होगा कुश्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCAP 2019 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, आगरा, नई दिल्ली, सूरत। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नई दिल्ली। RCAP, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, रेसिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। स्थिरता के लिए स्थानीय सरकारों और दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा नई दिल्ली भारत में आयोजित यह किया जाता है। यह एशिया प्रशांत से शहरों और क्षेत्रों को कई तरह के अभिनव समाधान प्रदान करेगा जो उपराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन बनाते हैं। यह आयोजन सतत विकास लक्ष्यों, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारिता योगदान और 2016 के न्यून अर्बन एजेंडा के कार्यान्वयन और उपलब्धि पर उच्च स्तरीय प्लेटनरी और तकनीकी सूत्रों के संयोजन की पेशकश करेगा। अब इसमें इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, तो नई दिल्ली के बारे में जानने के लिए हम इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए ये है इंडिया का मैप, और इसमें नई दिल्ली, यह है नई दिल्ली। नई दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से नई दिल्ली भारत का 31वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित राज्यों में पहले स्थान पर है। यहाँ का लिंगानुपात 866 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 86.21%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 90.94% और महिला साक्षरता दर है 80.76%। ये नई दिल्ली के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला उपग्रह अमेरिका से लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, नेपाल। नेपाल ने पहला उपग्रह अमेरिका से लॉन्च किया है। नेपाल ने सफलतापूर्वक अपना पहला उपग्रह नेपाली SAT-1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। नेपाली वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उपग्रह को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया से प्रक्षेपित किया गया था। यह एक निम्न कक्षा का उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर होगा। दो नेपाली वैज्ञानिकों आभा मास्की और हरिराम श्रेष्ठ, जो वर्तमान में जापानी क्यूशू प्रौद्योगिकी संस्था में अध्ययन कर रहे हैं, ने अपने संस्था के बर्ड्स परियोजना के तहत उपग्रह विकसित किया है। अब यहाँ पर दो देशों की बात हो रही है, नेपाल और अमेरिका।
दोनों के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें सबसे पहले अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। अब नेपाल, आप सभी को पता होगा नेपाल भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। ये नेपाल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में माय सर्किल सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, भारती एयरटेल। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के साथ मिलकर माय सर्किल सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा संकट की स्थिति में महिला ऐप्स में SOS प्रॉम्प्ट को दबाकर SOS अलर्ट भेज सकते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 18 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1982 यानी कि 1982 में हुई थी। इस वर्ष इसका थीम है रूरल लैंडस्केप। देखिए थीम इंपॉर्टेंट होती है, फिर से बोल देता हूँ, रूरल लैंडस्केप ये थीम थी, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, जर्मनी, अमेरिका, भारत। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सऊदी अरब। G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। इसका आयोजन राजधानी रियाद में नवंबर 2020 में होगा। पिछले साल G20 की बैठक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई थी जहां सऊदी के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। अब ये आयोजन सऊदी अरब में होगा, तो सऊदी अरब के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें सऊदी अरब, ये है सऊदी अरब जिसकी कैपिटल है रियाद, यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन सलमान। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए भारत और किस देश के बीच हुए रणनीतिक सहयोग समझौते को मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस हैं इराक, डेनमार्क, इंडोनेशिया, चीन। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, डेनमार्क। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए भारत और डेनमार्क के बीच हुए रणनीतिक सहयोग समझौते को मंजूरी मिल गई है। अब ये समझौता डेनमार्क के साथ हुआ है, तो डेनमार्क के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें डेनमार्क, यहां पर होगा डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ की करेंसी है क्रोन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं लॉर्स लोकी रासमुसान। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चांगी एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर, यहाँ पर इंडोर होगा, इंडोर वाटरफॉल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस, सिंगापुर। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, सिंगापुर। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल फॉल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। एयरपोर्ट का एक हिस्सा पिछले करीब 4 साल से नवीकरणीय किया जा रहा था, यानी कि उसका नवीनीकरण किया जा रहा था। इसको नया रूप देने में करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब सिंगापुर के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं। ये है वर्ल्ड मैप और इसमें सिंगापुर, यहां पर होगा सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। ये सिंगापुर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा।
अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल। ये आज के यानी कि 19 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।